हेलो राधे राधे, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। घर की वैली, चप्पल वगैरह इनको कहाँ उठा के रखे बिना स्टैंड के। आज सिर्फ एक रुपट्टे की हेल्प से आप अपने ढेरों चप्पलों को रख सकती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं रुपट्टा। आपके पास कोई भी पुराना रुपट्टा जो आपके मैचिंग के सूट का ना हो आप ले सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए कॉटन का रुपट्टा ले लिया है। उसी से मैं आज बताऊंगी कि आप अपने घर की ढेरों चप्पलों को कैसे रख सकते हैं जो बहुत ही अच्छा बनकर के तैयार भी होगा। यहाँ पर देखिए आपको रुपट्टा ले लेना है कोई भी। तो यहाँ पर देखिए मैंने कॉटन का रुपट्टा ले लिया है। आपको क्या करना है, पूरे रुपट्टे को अच्छे से खोल लेना है। खुलने के बाद आप उसको लंबाई के आकार में डबल फोल्ड कर लेंगी, जैसे मैंने किया। इस तरह से आप बिल्कुल बराबर करके रखिएगा, बिल्कुल भी कपड़ा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको ले लेना है हैंगर। आप चाहे तो यहाँ पे प्लास्टिक का हैंगर ले लीजिए, मैंने एल्युमिनियम का हैंगर लिया है। उसी को मैंने बहुत ही अच्छे से रुपट्टे को इस हैंगर में टांग दिया है। तो बस पहले आप इस तरह से लंबाई में फोल्ड करिए रुपट्टे को, उसके बाद आपको हैंगर बीच में लगा देना है। अब आपको क्या करना है, अच्छे से हमें हैंगर को फिट करना है। तो इसके लिए आपको ले लेना है सुई धागा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मोटा धागा लिया है। तो आपको इस तरह से थोड़ी सी बड़ी सुई लेनी है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा मजबूती से सिल दीजिए हैंगर को रुपट्टे के साथ, जिसे हैंगर बिल्कुल भी इधर उधर ना हो, बिल्कुल अपनी जगह पर फिक्स रहे। तो आप चाहे तो यहाँ पर मशीन का भी यूज कर सकती हैं, लेकिन मैं आपको हाथ से दिखा रही हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। आप पहले से हैंगर अटैच करेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से हैंगर बिल्कुल अच्छे से इसमें फिक्स हो जाएगा, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद अच्छे से आपको यहाँ पे नोट लगा देना है। नोट लगाने के बाद आप एक काम करिए, अच्छे से इसको कैंची से काट दीजिए। अब आपको एक काम करना है, अच्छे से यहाँ पे मैंने दो पार्ट में रुपट्टे को कर दिया है। अब आपको रुपट्टे का जो ऊपरी पार्ट है आपको इसके हैंगर के पीछे कर देना है। तो यहाँ देखिए मैंने एक पार्ट को हटा दिया है, दूसरा पार्ट मेरा नीचे ही है। अब आपको क्या करना है, अब आपको कोई भी स्केल या फीता ले लेना है। आपको यहाँ पे चार पॉकेट अच्छी सी बनानी है। आपको साफ दिखाई पड़ रहा होगा कि अच्छे से आप यहाँ पे चाहे लाइन खींच लें या किसी चौक की हेल्प से हल्के सा निशान लगा लीजिए। तो यहाँ पे ले ली है मैंने व्हाइट चौक, अच्छे से मैंने फोटा ले लिया है। आप यहाँ पे रिबन ले लीजिए, अच्छे से आप इस तरह से खींच लेंगी ना, तो जब आप सिलाई करेंगी चाहे आप मशीन से करें या आप हाथों से करें तो आपको दिक्कत नहीं होगी, सिलाई बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं जाएगी। तो यहाँ सबसे नीचे भी आपको एक सिलाई लगानी है ताकि बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो जाए, दुपट्टा खुले ना। ज्यादा सिलाई नहीं करनी है, आप हाथ की हेल्प से फटाफट इसको तैयार कर लेंगी। तो आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे पतले धागे का यूज बिल्कुल मत करिएगा, आपको थोड़ा सा मोटा मजबूत धागा लेना है। अगर आपके पास मजबूत मोटा धागा नहीं है तो आप सिलाई का यूज मतलब सिलाई मशीन से अच्छे से आप इसको सिल सकती हैं। तो यहाँ देखिए मैंने गैप कर करके अच्छे से तीन दो जगह सिलाई लगा दी, तीसरी जगह सिलाई लगा रही हूँ। तो आप इस तरह से पूरी सिलाई आप चार पॉकेट अच्छे से बन करके तैयार हो जाएंगे आपको। और देखिए इस ऑर्गेनाइजर को बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। ढेरों चप्पलों और या जूती वैली वगैरह हम लोगों को रखनी होती है तो सोच में पड़ जाते हैं कि मार्केट से महंगा स्टैंड लेकर के आए, काफी महंगा मिलता है। तो आप इस तरह से जुगाड़ करके बिना पैसे के, बिना एक रुपया खर्च करे अपने आप ही घर में इसको तैयार कर सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी मेरा तीसरी पॉकेट बन करके तैयार हो रही है, उसको भी मैं सिल लूंगी। देखिए मशीन से सिलने से क्या होगा, बहुत ही अच्छे से मजबूत होगा। तो लेकिन मैं यहाँ पे हाथ से सिल रही हूँ, लेकिन मोटे धागे का यूज किया है तो कोई भी मतलब टेंशन नहीं है, बहुत ही मजबूत भी रहेगा। आप अच्छे से एक चीज का ध्यान रखिए, अच्छे से आपको सब जगह नोट लगा देना है ताकि ये बिल्कुल भी ना खुले। उसके बाद आपको सबसे नीचे वाले पार्ट में भी अच्छे से सिलाई कर देना है। नीचे वाले पार्ट में आपको एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि दुपट्टा ऊपर नीचे हो सकता है, आप बराबर से देख लीजिएगा, अच्छे से दोनों पार्ट को नीचे से पकड़ लीजिएगा, पलट के देख लीजिएगा कि बिल्कुल सिलाई आपकी नीचे ना जा रही हो। दोनों कपड़ा आपके सुई के बीच में होना चाहिए ताकि बहुत ही अच्छे से सिलाई हो जाए। तो बस आपको फटाफट इस तरह से सिलाई कर लेना है। चारों तरफ मैंने अच्छे से चारों जितने भी मैंने पॉकेट थे मैंने अच्छे से बना लिया है। तो पॉकेट अच्छे से बनकर के तैयार हो गई और नजर भी बनकर के तैयार हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आगे वाले पार्ट को मैंने हैंगर के पीछे कर दिया है। चलिए आपको कैसे यूज करना है और जब ये बनकर के तैयार होगा, इसके अंदर जब मैं अच्छे से आपको रख के दिखाऊंगी तो ये आपको बहुत ही पसंद आएगा। आप अपनी सुविधा अनुसार जहाँ भी इसको टांगना चाहते हैं अच्छे से हैंग कर दीजिए हैंगर की हेल्प से। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा खिड़की में टांग के दिखा रही हूँ, आप दरवाजे के पीछे अच्छे से टांग दीजिए, बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ढेरों चप्पलें आपके इसके अंदर आ जाएंगी, करीब चार से पांच जोड़ी। तो यहाँ देखिए मैं चप्पलों आपको रख के दिखा रही हूँ, तो इजिली बहुत ही आराम से इसमें आ जाती है, कोई भी दिक्कत नहीं होती, आप आराम से इसके अंदर रख दीजिए।
होता है ना घर में, जब ज्यादा हम लोग के स्लीपर्स हो जाती हैं तो हम लोग सोचने पड़ते हैं इनको कैसे रखें। अगर हम लोग किसी अलमारी के नीचे लगते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, और मेहमान लोग आते हैं तो देखने में बड़ा गंदा लगता है। लेकिन ये आप बहुत ही आराम से इसके अंदर पैक करके रख दीजिए, पॉकेट के अंदर जितनी भी आपकी वैली चप्पल स्लीपर्स जो भी हो आप इस तरह से पॉकेट के अंदर रख दीजिए, दरवाजे के पीछे टांग दीजिए, पता ही नहीं चलेगा कि आपने यहाँ पे कुछ टांग कर भी रखा है। तो यहाँ देखिए मैंने करीबन 4 जोड़ी रख दिया है। अगर छोटे बच्चों के यहाँ पे शूज वगैरह होंगे तो करीबन 2 जोड़ी बहुत ही आराम से आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने करीबन 4 जोड़ी चप्पलों को रख दिया है, बहुत ही आराम से आ गए हैं और ये देखने में भी बिल्कुल गंदा नहीं लग रहा है। चलिए अभी और सुंदर लगेगा। आपको क्या करना है, जो पीछे पार्ट हम लोग ने किया था ना दुपट्टे का, उसको आपको आगे कर देना है। हो गया ना बिल्कुल सेफ। और बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग ने क्या तैयार किया, साफ लग रहा है कि ऐसे ही कोई दुपट्टा टंगा हुआ है। और ये बहुत ही मजबूत बना हुआ है, इसको बनाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। जब भी आपको जरूरत हो आप अपनी स्लीपर्स को आराम से निकालिए, अच्छे से पहन के जाइए और फिर अच्छे से आप इस तरह से इसको रख सकती हैं। तो इस तरह से आप इस ऑर्गेनाइजर को तैयार करिए और अपने घर में यूज करिए। ये बहुत ही अच्छा लगता है बनने में, बिल्कुल खराब नहीं लगता है। और बिना स्टैंड के बिना पैसा खर्च करे इस तरह से हम लोग स्टैंड को बना सकते हैं। तो वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज उसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आप मेरा वीडियो पहली बार देख रही हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके।